हेलो एवरीवन, वेलकम टू करियर साइट। सो आज हम लोग रीजनिंग में इनपुट आउटपुट देखेंगे। तो इनपुट आउटपुट जो है ये एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। अगर आप बैंकिंग के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो बैंकिंग में जो मेंस का एग्ज़ाम होता है इसमें तो आपका इनपुट आउटपुट का क्वेश्चन आना ही है। तो इस क्वेश्चंस में जो अभी करंट पैटर्न है उसी पैटर्न के ऊपर हम लोग कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। तो चलिए क्वेश्चंस देखते हैं। तो चलिए, जैसे आप लोग देख सकते हैं कि जो पहला क्वेश्चन दिखा रहा है इसमें क्या बोल रहा है, स्टडी द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन केयरफुली, आंसर द गिवन क्वेश्चंस। अभी इस क्वेश्चन में क्या देख रहे हैं कि बोल रहा है कि अ वर्ड एंड नंबर अरेंजमेंट मशीन व्हेन गिवन एन इनपुट लाइन ऑफ वर्ड्स एंड नंबर्स रीअरेंजेस देम फॉलोइंग अ पर्टिकुलर रूल इन ईच स्टेप। द फॉलोइंग इज एन इलस्ट्रेशन ऑफ इनपुट एंड रीअरेंजमेंट। सो एक्चुअली क्या होता है कि ऐसे क्वेश्चंस में आपको जनरली एक इनपुट लाइन, जैसे कि ये आप लोग देख रहे हैं कि एक इनपुट लाइन है, मतलब एक इनपुट लाइन देगा। मतलब जैसे कि हम लोग कंप्यूटर में अगर कुछ चीज़ उसको दे रहे हैं, तो एक मशीन में अगर हम लोग कुछ इनपुट देते हैं तो हम लोग क्या, उससे हम लोग क्या मिलता है, आउटपुट मिलता है। लेकिन क्या होता है कि वो एक चीज़ जो है वो एक कोडेड में रहता है, मतलब एक पैटर्न, डेफिनेट पैटर्न उसमें फॉलो होता है। तो इसमें भी वही है कि एक आपको डेफिनेट इनपुट रहेगा और उसके रेस्पेक्ट में, जैसे कि आप लोग देख सकते हैं कि इसमें 5 स्टेप्स दिया हुआ है। जैसे ये जो 5 स्टेप्स हैं, इन 5 स्टेप्स में आपको ये समझ में आ जाना चाहिए देख के कि ये जो इनपुट है इसको कैसे डिकोड किया गया है, राइट। और ये समझने के बाद इसके रेस्पेक्ट में, मतलब इसी पैटर्न पे आपको कुछ क्वेश्चंस पूछा जाएगा। लेकिन ज़रूरी नहीं है कि ये जो इनपुट दिया हुआ है वही इनपुट आपको पूछे, आपको इनपुट जो है वह बदल दिया जाएगा ताकि आपको पैटर्न का पूरा नॉलेज होना चाहिए इसलिए। तो चलिए अभी देखते हैं क्वेश्चन में कैसे इसको डिकोड करना है। अभी जैसे कि इनपुट क्या बोल रहा है, अभी इनपुट क्या बोल रहा है, इधर इनपुट दिया हुआ है 9 प्योर 19, फिर बोल रहा है 34, 12, 69, फिर दिया हुआ है हियर कॉल। अभी देखिए, जैसे पहला स्टेप, फर्स्ट स्टेप कैसे किया है, पहले क्या था हमारा 9 था, लेकिन क्या ले रहा है पहले, अभी कॉल ले रहा है ना। तो कॉल से देखिए आपको समझ में आना चाहिए, देखिए अभी n है, अगर मैं अल्फाबेटिकल अरेंजमेंट में कर देखूँ तो जो कॉल है, मतलब ये c से स्टार्ट हो रहा है तो ये सबसे पहले आना चाहिए। तो इसमें अरेंजमेंट कैसा हुआ है कि आपका जो कॉल लेटर है उसको पहले लिख दिया है क्योंकि ये c से स्टार्ट हो रहा है, उसके बाद आपको एज इट इज़ बाकी के वर्ड्स को प्लेस कर देना है। जैसे 9, फिर आपका प्योर आ गया, फिर क्या लिखा 19, 34, 12, 69, देन हियर, क्योंकि कॉल तो लिख ही लिया ऑलरेडी तो हियर तक आ जाएगा। अभी सेकेंड स्टेप जब देखेंगे तो सेकेंड स्टेप में क्या किया है, देखिए कॉल को तो लिख लिया है, कॉल ऐसे ही है, लेकिन उसके बाद देखिए क्या आ गया, अभी नंबर आ गया है, डेट मीन्स इधर क्या आ रहा है, 12 आ रहा है। और अगर आप लोग ठीक से देखेंगे, जैसे ये जो पहला इनपुट है इसमें 12 क्या है, सबसे छोटा नंबर यही है, मतलब इससे पता चल रहा है कि जो ट्रेंड है वो इंक्रीजिंग वे में है। डेट मीन्स आपका 12 को लिख लिया है, 12 के बाद फिर वही कहानी है कि आपका जो है बाकी का चीज़ उसी तरह से रिपीट होगा, 9 प्योर, फिर 19, 34, 69, फिर क्या रहेगा हियर। अभी थर्ड स्टेप देखते हैं, अभी थर्ड स्टेप में कैसा हो रहा है, फिर कॉल 12, 9, इधर तक तो हो ही गया है, फिर क्या करेंगे, जैसे कि इधर लिखा हुआ तो प्योर था, अभी देखिए सबसे पहले कौन आएगा, प्योर या हियर, हमारा आना तो क्या चाहिए, हियर चाहिए। तो हम लोग क्या करेंगे, तो हमारा देखिए 9 प्योर हियर तीनों है ना, तो इस केस में मैंने ये लिख दिया था, ये गलती हो गया, इधर 9 नहीं लिखना चाहिए क्योंकि पहले क्या आएगा, हियर आना है, तो पहले हियर आएगा, तो फिर हम लोग इसके जगह पे 9 के जगह पे हम लोग हियर लिख लेंगे क्योंकि अल्फाबेटिकल अरेंजमेंट में हियर पहले आएगा, फिर हियर के बाद 9, फिर प्योर, फिर 19, 34, 69, ऐसे लिख देंगे। अभी जो चौथा स्टेप है, फोर्थ स्टेप में फिर क्या होगा, हम लोगों ने कॉल को अरेंज कर लिया था, 12 हो गया है, फिर हम लोगों ने किसको अरेंज किया, हियर को भी कर लिया, तो इस बार किसकी बारी है, इस बार
जो आपका नंबर है अभी 12 के बाद कौन सा नंबर आने वाला है, 19, तो हम लोग इधर लिखेंगे 19, 19 के बाद एच डिस रख देते हैं, 9 प्योर 34 69। फिर अभी फिफ्थ स्टेप, अभी फिफ्थ स्टेप में क्या करेंगे, कॉल 12, फिर हियर 19, 9 लिख दिया है, अभी क्या करेंगे, अभी नंबर का अरेंजमेंट करना है, अभी नंबर कौन सा आने वाला है, 34, तो 34 लिख देते हैं, 34 लिखते ही देखिए प्योर और 69, सिर्फ यही तो बचा था, और ये क्या है, अल्फाबेट का लास्ट में आता है, अभी नेक्स्ट स्टेप में यही होना चाहिए था, तो अभी तो इस स्टेप को लिखने का ज़रूरत नहीं है, तो मेरा जो अरेंजमेंट है वो कंप्लीट हो गया है। तो मुझे समझ में आ गया कि अगर मशीन में अगर ऐसा इनपुट देते तो आउटपुट कैसे आना है, ये पैटर्न सबको क्लियर हो गया होगा। तो चलिए इसके अकॉर्डिंग जो क्वेश्चंस दिए हुए हैं वो हम लोग देखते हैं। अभी अभी जो पहला क्वेश्चन पूछ रहा है, स्टेप टू ऑफ एन इनपुट इज बोल्ड 15 विल कैश 46 53 29 3। अभी ये इनपुट दिया हुआ है, इस इनपुट में क्या पूछ रहा है, हाउ मेनी मोर स्टेप्स विल बी रिक्वायर्ड टू कंप्लीट द रीअरेंजमेंट। तो इसी अरेंजमेंट को चले पहले हम लोग इनपुट को लिख लेते हैं एक बार। बोल्ड 15 दिया हुआ है, फिर दिया हुआ है विल कैश 46 53 29 और दिया हुआ है ट्री। अभी हमको क्या पता था, हम लोग जब स्टेप लिखते हैं मतलब इस स्टेप को कौन सा नंबर का स्टेप बोला है, स्टेप टू बोला है, तो ये तो बेस स्टेप है, हम लोग को बोला है कि कितना स्टेप और चाहिए, कितना ज़रूरी है, तो मैं इसको 1 से मार्क करूँगा ताकि मुझे पता रहे कि मैं कितना स्टेप में ख़त्म कर रहा हूँ। तो अभी क्या करेंगे, मुझे तो ऑलरेडी बोला गया कि ये जो बोल्ड 15 जो ये इनपुट आ रहा है मतलब ये सेकेंड स्टेप है, मतलब इधर एक बार अल्फ़ाबेट एक बार लेटर नंबर को मतलब दोनों का अरेंजमेंट हो गया, जैसे बोल्ड पहले आ गया है 15 बार पहले आ गया है सेकेंड में आ गया है, तो अभी थर्ड में कैसे करेंगे, ये तो रहना ही है बोल्ड 15 इसको रहना ही है, अभी क्या चाहिए मुझे, नेक्स्ट लेटर चाहिए, नेक्स्ट लेटर चाहिए तो कौन सा पहले आएगा, अभी जैसे देख सकते कि सी जो है वो पहले आता है, तो इधर हम लोग कैश लिख लेंगे, तो कैश लिख दिया तो बाकी का चीज़ जो है सेम रहेगा, विल 46 53 29 और फिर ट्री। अभी देखिए दूसरा स्टेप देखते हैं, सेकेंड स्टेप, सेकेंड स्टेप में भी फिर क्या होने वाला है, बोल्ड 15 कैश, इधर तक हो गया, अभी क्या करेंगे, अरेंजमेंट क्या करना था, नंबर का करना था, तो 15 के बाद कौन सा नंबर आएगा पहले, जैसे कि देख सकते हैं 29, ये उसके ऊपर ये बड़ा नंबर है 29, फिर बाकी का चीज़ विल 46 53 3 लिख दिया। अभी तीसरा स्टेप देखते हैं, तीसरा क्या होने वाला है, फिर से वही होगा, बोल्ड 15 कैश 29, इधर तक लिख लिया है, अभी क्या करेंगे, फिर नेक्स्ट कौन सा पहले आने वाला है, टी पहले आने वाला है, टी के बाद ही तो डब्ल्यू आएगा, तो ट्री को लिख दिया ट्री। अभी नंबर कौन सा पहले आएगा, देखो 46 तो इधर है ही, 46 से पहले आने वाला है, 46 हो गया, सॉरी 46 से पहले हम लोग को विल लिखना है क्योंकि विल है पहले, बाकी एज इट इज लिखना है, 29 के बाद मैंने ट्री लिख दिया, ट्री के बाद विल आ गया, विल के बाद 46 53। अभी नेक्स्ट स्टेप, चौथा स्टेप, चौथा स्टेप में फिर क्या होने वाला है, बोल्ड 15 कैश 29, फिर क्या होगा ट्री, फिर क्या था मुझे, नंबर चाहिए, अभी नंबर का अरेंजमेंट करेंगे, नंबर कौन सा पहले आएगा, 46, तो 46 पहले आते इधर आ गया विल, विल के बाद आ गया 53, तो अभी तो और अरेंजमेंट हम लोग नहीं कर सकते क्योंकि इधर तो खत्म हो गया, विल ही एक वर्ड बचा था और वर्ड के पास तो एक ही नंबर बचा हुआ है, तो मेरा कितना स्टेप लगा टोटल, मुझे स्टेप लग गए 4, मुझे मतलब टोटल स्टेप्स ये 4 नहीं है, लेकिन ये जो सेकेंड स्टेप है उसके बाद मुझे और अनदर 4 स्टेप चाहिए, मतलब यही क्वेश्चन में पूछ रहा है, तो बहुत लोग इसमें भी गलती करते हैं कि कभी कभी लगता है कि मतलब ये जो 2 स्टेप दिया हुआ है इनको इंक्लूड करके तो हमारा स्टेप कितना बनना है, 6 बनना है, तो देखिए 6 का भी ऑप्शन है, तो आपको लेकिन उसमें गलती नहीं करना है, आपको देखना है क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है, हाउ मेनी मोर स्टेप्स विल बी रिक्वायर्ड टू कंप्लीट द रीअरेंजमेंट, तो कितना मोर स्टेप चाहिए सिर्फ वही पूछ रहा है, तो मोर स्टेप्स कितना लग रहा है, 4 लग रहा है, तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। तो चलिए अभी नेक्स्ट क्वेश्चन फिर से देखते हैं। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन में भी क्या है, इनपुट दिया हुआ है एक, अभी इस इनपुट में क्या पूछ रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेप विल बी द लास्ट वन, तो जो लास्ट स्टेप कौन सा होगा ये बोल रहा है, मतलब स्टेप 6 होगा, स्टेप 8 होगा, 9 होगा, मतलब ऐसा ऑप्शन कुछ दिया हुआ है, तो
तो इसी को हम लोग पहले डिकोड करते हैं। जैसे डिकोड करेंगे तभी पता चलेगा कि कितना स्टेप लग रहा है। तो लेमन 62, क्लीन ऑरेंज 41, 37, फिर दिया हुआ है एप्पल 56। तो ये मेरा हो गया इनपुट। अभी पहला स्टेप, फर्स्ट स्टेप देखते हैं। फर्स्ट स्टेप उसी अरेंजमेंट में करेंगे। सबसे पहले कौन सा आएगा? एप्पल आना है, तो एप्पल आ गया। एप्पल के बाद क्या करेंगे? बाकी का क्या करते हैं हम लोग, एज इट इज़ लिख देते हैं। लेमन 62, फिर क्लीन ऑरेंज 41, 37, एप्पल तो लिख ही लिया ऑलरेडी, तो 56। अभी सेकेंड स्टेप, सेकेंड स्टेप में क्या करेंगे? एप्पल हो गया, अभी हम लोग को क्या करना है? नंबर अरेंजमेंट। तो नंबर में सबसे छोटा कौन सा है? 37। तो 37 को इधर लिख दिया, 37 लिख दिया। फिर बाकी का एज इट इज़, लेमन 62, क्लीन ऑरेंज 41, 56। तो थर्ड स्टेप, अभी थर्ड स्टेप में देखेंगे। थर्ड स्टेप में कैसे होगा? हम लोगों ने क्या कर दिया, एप्पल और 37 दो नंबर का अरेंजमेंट कर लिया है। तो अभी नेक्स्ट क्या करेंगे, इस बार फिर से हम लोग एक वर्ड लेंगे। तो उस वर्ड में कौन सा पहले आएगा? इस बार आना है क्लीन को, तो क्लीन। तो क्या करेंगे, एप्पल 37, फिर क्या करेंगे, क्लीन लिख देंगे इधर, क्लीन, फिर बाकी का एज इट इज, लेमन 62, ऑरेंज 41, 56। ये हो गया। अभी फोर्थ स्टेप, फोर्थ स्टेप में क्या करेंगे? फिर से एप्पल 37, क्लीन, इधर तक हम लोग का अरेंजमेंट हो गया था। अभी फिर से क्या करना है, नंबर कौन सा पहले आएगा? अभी आएगा 41, तो 41 को लिख देते हैं, 41। फिर बाकी का एज इट इज़, लेमन 62, ऑरेंज 56। नेक्स्ट स्टेप फाइव करते हैं। स्टेप फाइव क्या होगा? पहले ये लिख लेते हैं, एप्पल 37, क्लीन 41। हम लोगों ने 41 तक कर लिया था, अभी पहले कौन सा आएगा? पहले हम लोग का कौन सा आएगा? एल ही आएगा, एल के बाद दो ओ आना है। दैट मीन्स ये अभी अरेंजमेंट में ही है, लेमन जो है अरेंजमेंट में ही है। तो अभी नंबर को हम लोग को अरेंज करना है। तो नंबर कौन सा आने वाला है? नंबर हम लोग का आ जाएगा 56। तो इसको इस बार लिख लेंगे 56। 56 के बाद क्या लिखेंगे? एज इट इज, दैट मीन्स 62, ऑरेंज, ऐसा होना है। अभी सिक्स्थ स्टेप, जो छः नंबर स्टेप है उस पर क्या करेंगे? बाकी का एज इट इज लिख देंगे, एप्पल 37, फिर क्या करेंगे, क्लीन 41, लेमन 56 तक हो गया था, लेकिन अरेंजमेंट क्या था हम लोगों का? 56 के बाद हम लोगों को क्या करना, नंबर अरेंजमेंट हो गया था ना, अभी हम लोगों को वर्ड अरेंजमेंट करना है। दैट मीन्स इधर क्या आ जाएगा? ऑरेंज, ऑरेंज के बाद क्या आना है? 62। तो इधर मेरा ख़त्म हो गया है। दैट मीन्स मुझे कितना स्टेप लगा टोटल? मुझे स्टेप लगा 6, तो 6 लगा, तो 6 स्टेप लगा। तो फिर मेरा राइट आंसर इज ऑप्शन डी। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोल रहा है? स्टेप टू ऑफ एन इनपुट इज डियर 12 ईयर बैम, ऐसा एक इनपुट दिया हुआ है। ये कौन सा स्टेप बोला है? इसको सेकेंड स्टेप बोला है। आपको क्या करना है, विच ऑफ द फॉलोइंग विल बी द स्टेप सेवन, मतलब इसका जो स्टेप सेवन है वो कौन सा होगा, वो हम लोग को निकालना है और ऑप्शन से मैच करना है। तो चलिए हम लोग इसको डिकोड करते हैं। अभी क्या दिया हुआ है? डियर 12, फिर दिया हुआ है ईयर वैम्प 86, 71, स्टोर 65। ये हमारा इनपुट है। तो अभी फर्स्ट स्टेटमेंट, फर्स्ट लाइन क्या होगा? हम लोग पहले क्या करेंगे, ये क्या बोला था? स्टेप टू बोला था, राइट? मतलब इसको स्टेप टू बोला है। आपको क्या पूछा है इस बार? विच ऑफ द फॉलोइंग विल स्टेप सेवन, मतलब आप सीरियली जाते रहो। हम लोग मतलब कौन सा स्टेप से कर रहे हैं? हम लोग काम कर रहे हैं स्टेप थ्री से, तो मैं इसको थ्री लिख देता हूँ, स्टेप थ्री, राइट? तो स्टेप थ्री क्या होगा? डियर 12, मतलब ये तो अरेंजमेंट हो ही गया होगा ऑलरेडी, डियर 12, इधर तक तो अरेंजमेंट किया हुआ है। तो अभी नेक्स्ट कौन सा आने वाला है लेटर? अगर ठीक से देखेंगे तो कौन सा आएगा? आपका एस आएगा, तो एस आएगा, तो फिर स्टोर लिखते हैं। स्टोर के बाद एज इट इज लिख देते हैं, स्टोर को मैं अंडरलाइन कर देता हूँ। स्टोर ईयर वैम्प 86,
71 65। अभी फोर्थ स्टेप, फोर्थ स्टेप में क्या होगा, डियर 12, स्टोर तक तो हो गया था, स्टोर हो गया। अभी स्टोर के बाद क्या करेंगे, कौन सा नंबर आएगा, 65। अभी 65 आना है, स्टोर के बाद 65 आ गया। फिर ईयर वैम्प 86 71, इधर तक हो गया। नेक्स्ट स्टेप 5, स्टेप 5 में क्या होगा, डियर 12, स्टोर 65। फिर क्या करेंगे, कौन सा पहले आएगा, फिर आना है मेरा ईयर आएगा या वैम्प आएगा, आपका आएगा वी, क्योंकि यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड लास्ट में आएगा वाई, तो ये आप लिख दो वैम्प। वैम्प के बाद मैंने ईयर लिख दिया, फिर 86 71। तो चलिए अभी नेक्स्ट सिक्स्थ स्टेप देखते हैं। अभी सिक्स्थ स्टेप में क्या होगा, डियर 12, स्टोर 65। वैम्प तक हम लोगों ने कर लिया था, तो वैम्प हो गया। अभी किसको अरेंज करना है, इस बार नंबर को अरेंज करना है। नंबर क्या होगा, तो इस बार नंबर आ जाएगा 71, 71 आ जाएगा। तो बाकी अरेंजमेंट कैसा हो गया, ईयर 86। अभी तो कुछ अरेंजमेंट करना नहीं है क्योंकि ये लास्ट स्टेप बन गया है, क्योंकि नेक्स्ट में तो मुझे वर्ड लेटर अरेंजमेंट करना था, और लेटर तो ऑलरेडी ईयर ही है, और उसके बाद तो 86 ही आना है। तो मेरा मतलब 6 स्टेप लगा, मतलब टोटल स्टेप कितना लगा, 6 स्टेप लगा। अभी 6 स्टेप अगर लगा है, टोटली 6 स्टेप लगा है, और मुझे क्वेश्चन में पूछ क्या रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग विल बी द स्टेप 7, मुझे स्टेप 7 पूछ रहा है। लेकिन स्टेप 7 तो मेरा बना ही नहीं, क्योंकि मेरा तो स्टेप 6 में ख़त्म हो गया है। तो अगर 6 में ही ख़त्म हो गया है, तो ये सिर्फ आपको कंफ्यूज करने के लिए जो ऑप्शन है वो दिया हुआ है। आपको पता चल गया कि 6 स्टेप में ख़त्म हो रहा है, तो देखिए ऑप्शन भी दिया हुआ है आपको, डियर विल बी नो सच स्टेप, तो और एक दिया हुआ है नन ऑफ द अबव। इस केस में सबसे फिट कौन सा बैठ रहा है, ऑप्शन डी, क्योंकि वैसा कोई स्टेप बनेगा ही नहीं, नन ऑफ द अबव नहीं होगा, क्योंकि ये तो तीन ऑप्शन दिया हुआ है। अगर स्टेप होता तो इसमें हो सकता कि और कुछ ऑप्शन है, मतलब वो दिया नहीं हुआ है, लेकिन इस केस में क्या बन रहा है आपका, आपका तो स्टेप ही नहीं है, तो ये ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। तो चलिए अभी नेक्स्ट क्वेश्चन और देखते हैं। तो चलिए अभी और एक क्वेश्चन देखते हैं। तो इस क्वेश्चन में आपको एक इनपुट दिया हुआ है, इनपुट क्या दिया हुआ है, लेट 46 बर्न, इस तरीके का एक इनपुट दिया हुआ है। तो इस इनपुट को पहले हम लोगों को डिकोड करना है कि ये कैसे इसको मतलब डिकोड किया होगा, तो पहले हम लोग वो देखते हैं। अगर आप लोग स्टेप 1 को देखोगे तो आपको पता चलेगा कि इधर देखिए, जैसे आपका मेन इनपुट यह था आपका लेफ्ट 46, अभी लेफ्ट के सामने क्या आ गया है, 95, ठीक है। उसी तरह अगर सेकेंड स्टेप पे देखेंगे तो 95 के आगे क्या आ रहा है, 82। मतलब इससे क्या समझ में आ रहा है कि 95 जो है इसमें क्या है, सबसे बड़ा नंबर 95 है, राइट। ये 95 के आगे क्या बैठा दे फिर नेक्स्ट स्टेप में, 82। तो मतलब पहले हम लोग इन जो बड़ा नंबर है पहले उसको बैठाना है, उसके बाद हम लोग सेकेंड नंबर को बैठाएंगे जो बड़ा है, राइट। तो ये तो हो गया नंबर अरेंजमेंट। अभी और देखेंगे कि और कुछ दूसरा कुछ अरेंजमेंट है क्या इसमें। अभी 95 के बाद क्या कर दिया, लेफ्ट, लेफ्ट के बाद 46, बर्न 82, फिर पार्ट 72, वाइप 49। वाइप के बाद देखिए, वाइप के बाद आपका क्या हो गया, ये जो बोल्ड है ये बोल्ड इधर से हट गया, तो ये बोल्ड कहाँ गया है, बोल्ड को ले लिया है लास्ट में। डेट मीन्स अगर मैं इधर अल्फाबेटिकल अरेंजमेंट देखूँ तो बोल्ड जो लेटर है वो इसमें बी वी वाला वर्ड दो है, एक तो बर्न है एक बोल्ड है, तो इसमें बी ओ, इसमें क्योंकि ओ है तो अल्फाबेटिकल अरेंजमेंट में बोल्ड पहले आएगा, तो पहले बोल्ड को लिया है फर्स्ट स्टेप में। तो मतलब इंस्टेंटली दो अरेंजमेंट चल रहा है, एक तो आपका क्या चल रहा है, नंबर का चल रहा है, और एक आपका लेटर का चल रहा है। तो सेकेंड स्टेप में फिर क्या किया, 82 को इसलिए क्या किया, अभी 82 क्या था हमारा, सेकेंड लार्जेस्ट, तो इसको इधर बैठा दिया। बाकी का अरेंजमेंट उसी तरह से रखना है, सिर्फ जो बोल्ड के बाद कौन सा लेटर आएगा, फिर जैसे हमारा बर्न था, अभी बर्न आएगा बोल्ड के बाद, तो ये मेरा सेकेंड स्टेप में ऐसा बन जाएगा। तो इसी ट्रेंड पे देखिए, फिर 82 के सामने क्या बैठा दिया, 72, उससे बड़ा नंबर, सॉरी उससे उसका जो छोटा नंबर है ये बैठा दिया है। फिर उसी ट्रेंड में फिर देखिए, इधर भी वही रहा है, बोल्ड के बाद बर्न आया, बर्न के बाद फिर क्या बैठा दिया, लेफ्ट बैठा दिया। डेट मीन्स जो नंबर है वो कैसे चल रहा है, अभी आपका जो बड़ा नंबर है वो पीछे जाता रह रहा है, और जो छोटा नंबर है वो आगे हम लोग उसको बैठा रहे हैं। और लेटर में क्या हो रहा है आपका,
अल्फाबेटिकल अरेंजमेंट में इंक्रीजिंग ट्रेंड में जा रहा है। तो उसी तरह से हम लोगों ने इसको स्टेप फोर में भी वैसे ही किया, अरेंजमेंट किया हुआ है, स्टेप फाइव में भी ऐसे किया हुआ है। और लास्ट का जो स्टेप अगर आप देखेंगे इसमें क्या हो रहा है आपका, देखिए आपने अरेंजमेंट ऐसा कर दिया, 49 पहले आ गया, 40 59 आ गया, फिर 72 82 95 46। तो आप अगर स्टेप फाइव में देखोगे तो देखिए 49 59 ऐसे आ रहा है, तो 46 सिर्फ बचा जिसको अरेंज करना है, राइट। तो 46 को फिर क्या किया, स्टेप सिक्स में इसको आगे ले लिया। तो हमारा क्या हो गया, एक इंक्रीजिंग ट्रेंड में बन गया, 46 के बाद 49, फिर 59, 72, 82, 95 ऐसे बन गया। और इधर भी आप इस तरफ देखोगे तो देखो वाइब को लास्ट में अरेंज करना था क्योंकि अल्फाबेटिकल में ये लास्ट में आएगा, तो वाइब देखिए एकदम लास्ट में आ गया है, और उसके बाद बाकी का लेटर जो है जितना भी है वो इंक्रीजिंग पैटर्न में है। तो मतलब बात यह है कि दोनों सेक्शन को हम लोगों को इंक्रीजिंग ट्रेंड में अरेंज करना है, नंबर और लेटर को साइमल्टेनियसली। तो इनपुट इसका जो आउटपुट आ रहा है वो समझ में आ गया होगा। तो इसी तरह से अभी हम लोगों को कुछ क्वेश्चन में दूसरा इनपुट दिया रहेगा जो हम लोगों को डिकोड करके उसमें पूछे गए क्वेश्चन को सोल्व कर रहा है। तो चलिए क्वेश्चन देखते हैं नेक्स्ट। तो इसमें इनपुट दिया हुआ है, एक इनपुट दिया हुआ है और आपको पूछ रहा है विच स्टेप नंबर इज द फॉलोइंग आउटपुट। आपको आउटपुट भी दिया हुआ है, आपको बोला गया है कि कौन सा स्टेप में ये आउटपुट आने वाला है। तो इनपुट क्या दिया हुआ आपको, 29 कोन, 42 पेल, फियर, 39 67 फ्रेम, 32 वेल्ड, 77 और एक दिया हुआ आपको टर्न। ये आपका इनपुट दिया हुआ है। तो इसको आप अरेंज कैसे करोगे, तो हम लोगों को क्या पता था कि सबसे जो बड़ा नंबर है पहले हम लोग उसको पुट करेंगे आगे, उसके अकॉर्डिंगली हम लोग उसका सेकंड लार्जेस्ट नंबर पुट करते हैं, वैसे अरेंज करते हैं, राइट। तो सबसे बड़ा नंबर कौन सा है, इधर 77, तो 77 को मैंने इधर पुट कर दिया, इधर क्या लिख दिया 29। अभी कौन जो है अगर अल्फाबेटिकल अरेंजमेंट में देखोगे तो सबसे छोटा नंबर मतलब सबसे पहले यही आएगा, तो डेट मीन्स कोन को मुझे कहाँ लेना है, टर्न के बाद मतलब लास्ट पे लेना है। तो इधर क्या बच जाएगा, 42 आ जाएगा, फिर क्या आ जाएगा आपका पेल, फियर, 39, 67 फ्रेम, 32 वेल्ड, टर्न, और आपका क्या आ जाएगा इधर जो कोन था वो कोन इधर आ जाएगा। तो आप देखिए क्या मेरा यही बन रहा है, 39 67 हाफ फ्रेम यही बन रहा है मेरा। तो ये मतलब कौन सा स्टेप में आ गया आपका, स्टेप वन में, तो सही ऑप्शन बन गया आपका स्टेप वन। तो चलिए नेक्स्ट और एक क्वेश्चन देखते हैं। तो चलिए अभी इसी इनपुट को हम लोग उसका पूरा स्टेप लिख देते हैं। अभी पहला स्टेप अगर करेंगे तो क्या होगा आपका, देखिए 29 से पहले कौन सा आना है नंबर, सबसे पहले तो सबसे बड़ा नंबर तो 77 है, तो 77 आएगा पहले, 77 के बाद 29, फिर देखिए अभी अल्फाबेट अरेंजमेंट में सी देखिए सबसे पहले आएगा ना, तो कौन को हम लोग पीछे लिख देंगे, डेट मीन्स इसको हम लोग को पीछे लिखना है, और आगे कौन सा लेके आए थे 77, तो दोनों को मैंने अंडरलाइन कर दिया ताकि हम लोगों को पता चले कि हम लोगों ने कौन सा रिप्लेस किया है, और बाकी का चीज़ हम लोग क्या करेंगे एज इट इज़ इसको प्लेस कर देंगे। फिर ऐसा हो जाएगा 39 67, फिर इधर आ जाएगा फेम, फिर आ जाएगा 32, फिर वेल्ड, देन आ जाएगा आपका टर्न, और लास्ट में आ जाएगा कोन। ये हो गया आपका स्टेप वन। अभी देखिए स्टेप टू में क्या होगा, स्टेप टू में क्या होगा, 77 से पहले कौन सा नंबर आएगा 67, तो 67 उसके बाद आ गया 77, फिर 29, 42, फिर अभी देखिए वर्ड में से कौन सा जाएगा पीछे, अभी फेम पीछे जाएगा क्योंकि इसमें एफ ए आ रहा है, और इधर से हम लोगों ने क्या किया 67 को शिफ्ट किया था, तो मैंने दोनों को अंडरलाइन कर दिया, अभी पेल, फियर, 39, फिर 32, वेल्ड, टर्न, कोन, फिर क्या करेंगे इधर फेम लिख दिया। अभी थर्ड स्टेप, अभी थर्ड स्टेप में क्या होगा, 67 से पहले कौन आएगा 42, तो 49 को अंडरलाइन कर देते हैं, 42 आगे आगे, फिर 67, देन 77, 29। अभी नेक्स्ट वर्ड कौन सा जाएगा, फेम के बाद जाएगा फियर, तो इसको कैसे लिखेंगे
पेयर अपना जगह पे रहेगा, फिर बाकी 39, 32 वेल्ड, टर्न, कोन, फेम और आ जाएगा इधर फियर। अभी फोर्थ स्टेप, फोर्थ स्टेप में क्या होगा, 42 से पहले कौन आएगा, 42 से पहले आएगा 39, तो 39 को लिखेंगे 39, 42, 67, 77, 29। अभी वर्ड कौन सा आएगा पहले, वर्ड आएगा टर्न, तो टर्न को भी अंडरलाइन कर दिया है और बाकी जो हम लोग एज इट इज लिख देंगे। पेल हो गया, फिर 32, वेल्ड, कोन, फेम, फियर और इधर आ जाएगा टर्न। इधर तक अरेंजमेंट हो गया है। अभी फिफ्थ स्टेप में क्या करेंगे, अभी 39 से पहले कौन आएगा, 32 आएगा, 29 नहीं आएगा, 32 आएगा, तो 32 लिख दिया इधर, 32, फिर आएगा 39, 42, 67, 77, फिर अभी देखिए वर्ड कौन सा पहले आएगा, अभी W से एक जा रहा है, एक पेल से मतलब P से जा रहा है, तो पेल पहले आएगा, तो पेल को भी इधर से हटाना है, तो इधर क्या आ जाएगा 67 के बाद 77, फिर डायरेक्टली क्या आ जाएगा इधर 29, और 32 भी आगे चला गया है, तो इधर आ जाएगा वेल्ड, कोन, फेम, फियर, टर्न, फिर इधर आ जाएगा पेल। अभी इससे पता ही चल रहा है कि मुझे एक ही चीज़ अभी अरेंज करना है, नंबर से भी एक ही को अरेंज करना है, और इधर से जैसे कि पेल हो गया, फिर एक ही वर्ड को अरेंज करना है, तो मेरा ये मेरा सेकेंड लास्ट स्टेप हो ही गया है। एग्जाम में आपको इधर तक ही करना है, लेकिन फिर भी मैं लास्ट स्टेप इधर दिखा देता हूँ। 29 आ जाएगा, फिर 32, डेट मीन्स 29 चला गया है, अभी 29 के बाद 32, 32 के बाद 39 आ गया, 39 के बाद फिर 42, 67, 77 और वेल क्या हो जाएगा, पीछे चला जाएगा, डेट मीन्स कोन, फेम, फियर, टर्न, पेल और क्या आ जाएगा वर्ल्ड। तो ये हो गया आपका लास्ट स्टेप, लेकिन आपको देखना कहाँ पर था, सेकेंड लास्ट स्टेप में, किसका पोजीशन देखना है, 67 के रेस्पेक्ट में फेम का पोजीशन ऑन द राइट साइड। अभी 67 इधर है, 67 के रेस्पेक्ट किसका पोजीशन चाहिए, फेम का चाहिए। अभी देखते हैं इसका पोजीशन कहाँ पर रहेगा। अभी सबको अगर मार्क कर दें तो ये हो गया फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ और देखिए फेम कितना पोजीशन पे आ रहा है, फेम का पोजीशन हो गया फिफ्थ, डेट मीन्स फिफ्थ पोजीशन पे आएगा, तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। तो चलिए आज के लिए इतना ही है, थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिएगा और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा।